आ चुके हैं हम भानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल फ्रंट पर हैं। तो जैसा ये सामने यहाँ से एंट्री होती है गाइज, आप देख लीजिए। तो आपको बताना चाहता हूँ गाइज, आपको मैं आज ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो पूरे एशिया की सबसे डरावनी जगह है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम आए हैं यहाँ पर इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की सबसे डरावनी जगह पर गाइज। तो आप जानते होंगे, आपने जैसे टाइटल में देखा, हाँ गाइज आप जानते भी होंगे कि पूरे एशिया की सबसे डरावनी जगह है ये, और इस जगह को जाना जाता है भानगढ़ फोर्ट के नाम से। तो गाइज आज का जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, और भानगढ़ किले की जो पूरी वो होगी एक व्यू, वो मैं आपको दिखाऊंगा, और पूरे भानगढ़ किले में मैं घूमूंगा। तो गाइज आपको दिखाने वाला हूँ आज मैं पूरा भानगढ़ किला और उसके रिगार्डिंग ही। बस यहाँ से चलते हैं, कुछ ही दूरी पर यहाँ से भानगढ़ किला गाइज, मैं जस्ट उससे थोड़ा पहले रुका हुआ हूँ और यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ गाइज। तो बस चलते हैं हम भानगढ़ किले की तरफ गाइज। आ चुके हैं हम भानगढ़ फोर्ट के बिल्कुल फ्रंट पर हैं। तो जैसा ये सामने यहाँ से एंट्री होती है गाइज, आप देख लीजिए। तो आपको बताना चाहता हूँ गाइज, आपको मैं आज ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो पूरे एशिया की सबसे डरावनी जगह है गाइज। तो आप एक बार इसको बाहर से देख लीजिए, ये देखो इधर दूर दूर तक गाइज इसके अवशेष हैं यहाँ पर, ये इसकी दीवारें फैली हुई हैं इधर की साइड, और इधर भी देखिए इधर भी दीवारें फैली हुई हैं। तो गाइज हम चलते हैं, पहले इसमें अंदर एंट्री करते हैं, टिकट लेते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आ चुके हैं हम मानगढ़ किले के अंदर, वो सामने वहाँ टिकट काउंटर है, आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। और शुरू में जब हम अंदर आते हैं तो हमें सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है। तो गाइज दर्शन कर लेते हैं हनुमान मंदिर का। तो गाइज ये है हनुमान जी का मंदिर, यही है। तो गाइज हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं अंदर की तरफ। जस्ट अभी हमने बिल्कुल जस्ट एंटर करा है, ये यहाँ से थोड़ा सा एंट्री गेट था ये वाला, यहाँ से करा। तो गाइज ये देखिए, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा, शायद धूप पड़ रही है आपको दिख रहा होगा। ये देखिए गाइज पीछे तक ये रास्ता है, इस रास्ते पे हम जाएंगे आगे की तरफ और फिर इसमें अंदर जो है वो दिखाते। तो ये पत्थरों की दीवारें हैं, ये देखिए देख रहे हैं गाइज, ये एक स्ट्रक्चर है पूरे तरीके से। तो गाइज अभी हमें अंदर जाना है, तो चलते हैं गाइज हम अंदर की तरफ, देखते हैं कि अंदर कैसा है, कैसा फील होता है हमें, कोई नेगेटिव एनर्जी हमें फील होती है या नहीं। हम जा भी रहे हैं, और भाई थोड़ा थोड़ा ये होता है कि ऐसी जगह जाते हैं तो थोड़ा डर तो होता ही है, पर कोशिश करेंगे कि नहीं डरें गाइज, और वीडियो अच्छे से बनेगी आपके लिए। तो गाइज चलते रहते हैं फिर अंदर की तरफ। गाइज आपको दिखाता हूँ, अभी जब हम भानगढ़ किले में अंदर थोड़े से आए तो एक एंट्री पॉइंट मिला। तो ये देखिए गाइज, ये आप देख रहे हैं ये जो दीवारें हैं ये कैसे गायब हो गई थी, ये देखिए। ये पहले बताया जाता कि ये पूरा किला पहले ऊपर तक था, तो गाइज अचानक पता नहीं क्या हुआ या क्या था कि पूरा किला का किला ये ऐसा हो चुका है कि ऊपर से पूरा गायब हो चुका है गाइज ये किला। तो हम अभी धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं और आपको अंदर दिखाते हैं क्या क्या होता है गाइज। तो सबसे पहले अभी हम लेकर चलते हैं आपको थोड़ा सा अंदर, कुछ देखने के लिए मिलता है वहाँ पर तो दिखाते हैं आपको गाइज। ये देख रहे हैं दीवारें, देखते चलिए आप किस तरीके की हैं गाइज, केवल पत्थरों की बनी हुई है, पत्थर ही पत्थर हैं आज के टाइम में यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं ये। और है इसकी जो आपको बता दूँ काफ़ी बीच में है ये, मतलब काफ़ी डिस्टेंस और बहुत बड़ा किला गाइज ये, ठीक है। तो गाइज अभी चलते हैं हम अंदर की तरफ। अभी हम आ चुके हैं भानगढ़ के बाजार में, उस टाइम का जो बाजार लगाया जाता था गाइज, अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब तो ये वीरान हो चुका है, अब तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके अवशेष जो एक साथ काफ़ी ज़्यादा दुकानें पड़ती थी, उस टाइम की जो शॉप्स हुआ करती थी गाइज, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ अभी यहाँ की जो दुकानें होती थी वो किस टाइप की होती थी। तो गाइज ये सब आप देख रहे हो, ये जितना भी है ये सब पीछे तक सारा उस टाइम का मार्केट हुआ करता था गाइज, उस टाइम का ये मार्केट हुआ करता था, और यहाँ हर चीज़ मिलती थी उस टाइम का। लेकिन आज देखो इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ मैं गाइज, ये देखो, तो आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइज ये पूरा यहाँ का मार्केट हुआ करता था, ये पीछे तक ये सारी दुकानें हुआ करती थी उस टाइम की। तो गाइज अभी चलते हैं और अंदर, देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। और इस पूरे मार्केट की एक वीडियो देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ गाइज, ये देखिए इस तरीके से था ये पूरा मार्केट,
ये देख रहे हैं, ये पूरा पार मार्केट था गाइज, ये आगे तक, ये 300 से 350 मीटर लंबा लगभग मार्केट है ये। ये सब दुकानें ही दुकानें थी उस टाइम की गाइज। ये देखें, तो गाइज अब चलते हैं हम अंदर, देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें देखने के लिए। मार्केट ख़त्म हो चुका है, हम मार्केट से आगे आ चुके हैं। अब यहाँ से सामने से आगे जाएंगे तो एंट्री मिलेगी हमें महल के अंदर। और गाइज आप ये पीपल देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना बताया जाता है, मुझे एग्जैक्ट ईयर्स नहीं पता कि कितने ईयर्स का है ये, पर हाँ ये कहते हैं काफ़ी पुराना पीपल है। और आप बताओ गाइज, अगर रात में यहाँ कैसे रुक सकता है कोई, क्योंकि इतने खतरनाक खतरनाक अगर पीपल के पेड़ हैं यहाँ पर, एक ये है एक इधर ये है गाइज, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ डर लगने लगता है रात में। और बताया जाता है कि यहाँ पर आज तक जो भी रात में आया है वो कभी वापस नहीं जा पाया गाइज। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी भी यहाँ ऐसा ट्राई मत करना कि आप रात में आएँ और रुकें यहाँ पर, कभी नहीं गाइज। तो अभी हम चलते हैं गाइज इस ओर, क्योंकि आगे से एंट्री मिलेगी हमें महल के अंदर, तो आगे की तरफ चलते हैं गाइज। अभी हम जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर देखो, लोग बंदरों को भी खाना खिलाते हैं, आते हैं अपनी अपनी श्रद्धा निभाते हैं, लंगूर बंदर। और यहाँ पर ये मंदिर है गाइज, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मंदिर है। तो सबसे पहले हम मंदिर में चलते हैं गाइज, आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मंदिर कैसा है, क्योंकि हम पहली बार आ रहे हैं गाइज। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइज बाहर से देखने में, तो देखिए आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर। और आपको एक इंटरेस्टेड चीज़ और मैं दिखाऊंगा गाइज, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो, दिखाता हूँ, बिल्कुल अलग सी जगह पर है, एक यूनिक जगह है वो। तो गाइज ये है मंदिर हमारा, ये देखिए, मंदिर में चलते हैं गाइज अंदर। तो गाइज ये है मंदिर, देख पा रहे हैं आप, काफी ज्यादा सुंदर मंदिर है गाइज ये। तो गाइज एक सबसे यूनिक जगह आप देखो, वो देखो चोटी पर ऊपर दिख रही है आपको, ये बताते हैं कि ये जो कुटी थी, यहाँ एक तांत्रिक रहता था जो कि काला जादू करता था, और उस तांत्रिक को रानी का लवर बताया जाता है गाइज, उस तांत्रिक को रानी का लवर बताया जाता है। तो गाइज अभी बस घूम रहे हैं यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ, घूम लेते हैं और आपको पास से दिखाता हूँ। देखो मंदिर का स्ट्रक्चर, संरचना देखिए कितनी अच्छी है, ये देखिए गाइज काफ़ी ज़्यादा सुंदर है गाइज मंदिर ये। इधर आ जाते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं ना आप गाइज, बहुत ज़्यादा सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर एक मंदिर वहाँ भी है। आ चुके हैं हम मेन किले के बिल्कुल बाहर वाले दरवाजे पर, यहाँ से ये इसकी एंट्री है गाइस। तो अंदर वहाँ चलते हैं, सामने ये वो जगह है जहाँ पर यहाँ के राजा रहा करते थे गाइस। तो यहाँ राजा साहब रहते थे उस टाइम पर, जब यहाँ पर वो लोग सब रहते थे। तो अभी हम चलते हैं गाइस किले के अंदर, तो देखते हैं इस किले के अंदर क्या कुछ दिखता है हमें वो दिखाते, कि आपको एक किले का व्यू बना के दिखाऊंगा जो काफी सुंदर सा और काफी शानदार होगा गाइज। तो गाइज आ चुके हैं किले के अंदर, कुछ इस तरीके का व्यू है, ये देख लीजिए, ये शुरुआत है जैसे ही हम यहाँ से हमने एंट्री करी है, तो देख लीजिए आप। और यहाँ से पूरा बाहर का व्यू दिखाई देता, पूरा भानगढ़, ये देखिए गाइज वो सारे टेम्पल्स, और दूर दूर तक पूरा व्यू दिखाई देता कैसा है ये नीचे यहाँ से। तो अभी हम चलते हैं गाइस अंदर की तरफ थोड़ा, और देखते हैं, ये देखिए गाइस ये पूरा फोर्ट है, ये देखिए, देख रहे हैं आप गाइस, है ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उस टाइम पर यहाँ पर ये राजा साहब रहते होंगे, इसमें शायद अंदर, इसमें यहीं कहीं रहते होंगे गाइस। तो जब आप इस पे ऊपर भी टॉप पर जा सकते हो गाइस, ऐसा नहीं है कि आप इस पे नहीं जा सकते, जा सकते हो। गाइस मैंने आपको दिखा दिया है पूरा किला, जहाँ जहाँ मैं गया इसके लिए मैं, काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा है, काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का गाइस। तो बस इतना बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा है गाइस पर्सनली, काफ़ी ज़्यादा सुंदर किला है। अगर आपको अच्छा लगा हो गाइस तो यार वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ गाइस। मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, यार सपोर्ट करना गाइस। बाय बाय, टेक केयर गाइज़।